तो आज हम करने वाले हैं सॉलिड ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमें कुछ शेप्स दिए जाएंगे, सॉलिड शेप्स, जिनको हमें अपने एक एक साइड से दिखाना है, अपर साइड, फ्रंट, वो सब। वो आपको क्वेश्चन करते समय पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर प्रिज्म निकालना है, मतलब इसके साइड्स, तीन ही साइड्स निकालने हैं, अपर, फ्रंट और साइड। वो हमें उनकी साइज दे देंगे, मतलब स्क्वायर की कितनी साइज, हर साइड की एक साइज दे देंगे वो हमें सिर्फ निकालने हैं, कुछ ऐसे। तो सबसे पहले हम एक लाइन निकाल लेंगे और उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर की एक मार्क कर देंगे और उसको ऊपर एक परपेंडिकुलर निकाल देंगे, कुछ ऐसे। और ये हम हमारे क्यूबॉइड की यानी कि स्क्वायर प्रिज्म की एक साइड निकाल रहे हैं, जो लंबी वाली साइड है वो वाली। तो उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो हमने ये बेस वाली लाइन, और अब ये ऊपर वाली लाइन परपेंडिकुलर होने के बाद हम 7 सेंटीमीटर का आर्क लेके ऊपर जोड़ देंगे। फिर हम हमारी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे निचले वाली साइड को, और 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, मतलब सेकेंड पार्ट अब हम 2 सेंटीमीटर के गैप पे निकालने वाले हैं। तो ये हमारा अपर साइड हो गया, और फिर ये 4 सेंटीमीटर ले लेंगे हमारे ऊपर के स्क्वायर को निकालने के लिए। तो कुछ ऐसा हमारा स्क्वायर तैयार होने के बाद इसको हम आर्क दे देंगे इस पॉइंट से इन दोनों को, और फिर और एक बार हमने एक परपेंडिकुलर निकाल लेना है, जिससे हमारे रेक्टेंगल का एक साइड और बन जाएगा। फिर हम वापस हमारे 6 सेंटीमीटर ले लेंगे हमारे आर्क को, और उस साइड को कट कर देंगे, मतलब हमारी साइड 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, कुछ ऐसे, और फिर उसको जोड़ देंगे। तो ऐसे हमारा प्लान एलिवेशन बन जाता है। और उसको नाम देते समय आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब ए बी सी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज गोल घूमता है वो, कुछ ऐसे। हर पार्ट को एक एक नाम दे देना है, कुछ भी होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो निचली वाली साइड पे हमने प्लान फ्रॉम अबव लिखा है, क्योंकि वो ऊपर से देखने पे दिखता है, और ऊपर एक पे एलिवेशन फ्रंट और एलिवेशन साइड लिखा है, क्योंकि वो एक फ्रंट साइड है और एक साइड वाली साइड है। तो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी सब कुछ वैसे ही करना है, सिर्फ अब हमें एक कोन निकालना है जिसका बेस सर्कल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पर ज़्यादातर सेम ही होने वाला है। तो मैंने इस कोने में अपना एक कोन निकाल दिया है, जिसके ऊपर सारे मेजरमेंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लाइन निकाल लेंगे और उसको मार्क कर देंगे एक पॉइंट, और 2 सेंटीमीटर का रेडियस पकड़ के हम एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, क्योंकि हमारा बेस 4 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेना होगा। परपेंडिकुलर होने के बाद हमें 3 सेंटीमीटर का आर्क लेना है और कुछ मार देना है ऐसे, तो हमारे ट्रायंगल की हाइट कट जाएगी, और फिर हम उन लाइन को जोड़ देंगे। फिर हम निचली वाली साइड को परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, मतलब 90 डिग्री प्रोट्रैक्टर से, और फिर उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे निचली वाली साइड को। फिर हम 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे, और वहाँ पे और 4-4 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे, मतलब एक स्क्वायर निकालेंगे 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमारा सर्कल 4 सेंटीमीटर डायमीटर का है। और फिर हम उसको डायगोनल्स भी निकाल लेंगे 2, और सेंटर निकल जाएगा हमारा, तो हम 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हम वहाँ पे एक सर्कल निकाल सकते हैं। फिर हम हमारे स्क्वायर से एक आर्क निकाल देंगे कुछ ऐसे, और फिर हम उस लाइन को बाइसेक्ट कर देंगे, जिससे हमारे ट्रायंगल का सेंटर निकल जाएगा ऊपर का टोक। फिर हम 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे कुछ साइड वाले ट्रायंगल से, और उसके ऊपर मार देंगे और लाइन से जोड़ देंगे, तो हमारे तीनों ट्रायंगल के साइड्स तैयार हो जाएंगे। और फिर वैसे ही मार्किंग कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज और नाम दे देंगे। हर इसको हर बार आपको
प्लान फ्रॉम अबव एलिवेशन साइड और एलिवेशन फ्रंट लिख देना है। तो ऐसा कुछ करने के बाद हमारा कोन तैयार हो जाता है। तो ये दोनों हमारे मेन थे, अब ये बाकी के और चार हैं जिनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, पर हम निकाल सकते हैं इनको भी। इनके अंदर हमें एक स्क्वायर देखने को मिलता है, सिलेंडर, कोन और एक स्पीयर, जिनको हमें तीन साइड्स में डिवाइड करके दिखाना है, मतलब हर साइड से कैसे दिखेगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट को हम एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं हमारा स्क्वायर, यहाँ पे कोने में निकाल दिया है हमारे रेफरेंस के लिए। हर साइड उसकी 5-5 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम अपनी लाइन निकाल लेंगे बेस की और फिर उसको 5 सेंटीमीटर में कट कर देंगे कुछ ऐसे पॉइंट बना के, और यहाँ से आर्क बना के हम अपने परपेंडिकुलर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे परपेंडिकुलर्स हो जाने के बाद हम हमारे 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके इन दोनों लाइंस को कट कर देंगे, जिससे हमारा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर तैयार हो जाएगा। और फिर इन लाइंस को एक्सटेंड कर देंगे निचले वाली साइड, और 2-2 सेंटीमीटर का गैप दे देंगे हमारे निचले वाली साइड के, और 5 सेंटीमीटर का और एक बार स्क्वायर निकाल देंगे निचली साइड। और फिर ऐसा आर्क निकाल के हमारे तीसरी साइड को निकालने के लिए हम रेफरेंस ले लेंगे, और हमने 2 सेंटीमीटर का साइड में गैप छोड़ा था, तो 2 सेंटीमीटर से इस साइड भी गैप छोड़ देंगे और हमारा स्क्वायर स्केल से ही तैयार हो जाएगा। तो अब हम हमारे सारे के सारे पॉइंट्स भी निकाल देंगे कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और हमारे नाम। तो ऐसे हमारा स्क्वायर का 3D मॉडल तैयार हो जाता है। अब हम बनाते हैं हमारा सिलेंडर, जिसके लिए भी हमें एक लाइन निकालनी होगी। फिर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, और हमारा परपेंडिकुलर निकाल के हम वापस से अपनी एक साइड तैयार कर लेंगे, और उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो हमारे स्केल के ऊपर 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके हम कुछ ऐसे मार देंगे अपनी लाइन के ऊपर और काट देंगे उस लाइन को। और फिर हमारे निचली वाली लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे भी एक साइड निकालनी है, तो उसके लिए हम 2-2 सेंटीमीटर का गैप दे देंगे। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का देना था, मैंने गलती से 6 सेंटीमीटर दे दिया, और यहाँ पे मेरी गलती हो गई, पर यहाँ पे मैंने वापस से 4 सेंटीमीटर लेके स्क्वायर बना दिया अपना। और उसको सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डायगोनल भी निकाल देंगे और सेंटर ढूंढ लेंगे हमारे स्क्वायर का। फिर हमारे स्क्वायर का रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हम एक सर्कल निकाल देंगे, और इससे हम हमारा आर्क एक्सटेंड कर लेंगे। और फिर वापस से हमारी दूसरी साइड निकाल देंगे सिलेंडर की। और फिर वापस से हमारे नाम आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ करने के बाद हमारा सिलेंडर भी तैयार हो जाता। तो अब हम निकालने वाले हैं हमारा पिरामिड, जिसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर है और बेस भी 5 सेंटीमीटर है। और तो इसके लिए भी हम सबसे पहले अपना लाइन निकाल लेंगे, और 5 सेंटीमीटर का बेस है हमारा, तो सबसे पहले हम हमारे 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लेके हम उसको मार देंगे, जिससे हमारा बेस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर कुछ ऐसे बाइसेक्ट करके हमारे ट्राइंगल का टोक भी निकल जाएगा, और 5 सेंटीमीटर आर्क लेके हम इस लाइन को काट देंगे, जिससे हमारा हाइट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर जॉइंट करने के बाद हमारी एक साइड तैयार हो जाएगी। और फिर दूसरी साइड निकालने के लिए हम उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड करने के लिए 90 डिग्री ले लेंगे और एक्सटेंड कर देंगे। और फिर 2 सेंटीमीटर का गैप दे देंगे,
और 5-5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे निचली वाली साइड पे, और फिर आर्क लेके रेफरेंस ऊपर की तरफ ले लेंगे। और फिर हम हमारे बेस का हाफ ले लेंगे और हमारे नए वाले ट्रायंगल का बेस निकाल लेंगे, और फिर इसको भी बाइसेक्ट कर देंगे जिससे हमारा पॉइंट निकल जाएगा ट्रायंगल का सेंटर, और फिर जॉइंट कर देंगे 5 सेंटीमीटर को कुछ ऐसे। और फिर नाम दे देना है हर एक पॉइंट को, आपको एक एक मार्क मिलने वाला है तो ध्यान से नाम दे दे देना। तो फिर ऐसा कुछ करने के बाद हमारा पिरामिड भी तैयार हो जाता है। तो अब हम निकालने वाले हैं स्पीयर, वो गोला। तो उसके लिए भी सबसे पहले हम अपनी एक लाइन निकाल लेंगे, और 5 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लेके हम एक दोनों साइड पे आर्क मार देंगे, और फिर उन पॉइंट्स के ऊपर हम 90 डिग्री का पॉइंट कर देंगे हर एक पॉइंट के ऊपर, तीनों के तीनों, और फिर उससे एक स्ट्रेट लाइन निकाल देंगे। फिर हम 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लेके अपना सेंटर ले लेंगे सर्कल का कुछ ऐसे, फिर इससे एक सर्कल निकाल देंगे। 2.5 सेंटीमीटर का ही लेना है रेडियस, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का। और फिर हमारा सर्कल तैयार होने के बाद उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे निचले वाली साइड पे कुछ ऐसे, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप लेके लाइन निकाल देंगे। फिर हम निचले वाली साइड पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकाल देंगे और उसके डायगोनल भी निकाल देंगे, या फिर उसकी साइड, जिसे हमारा सेंटर निकल जाएगा, और हम 2.5 सेंटीमीटर से वापस एक बार सर्कल निकाल देंगे। इसे हम स्क्वायर के बिना भी निकाल सकते थे, पर अब हमें यहाँ पे एक कर्व भी देना है ये वाला, इसलिए हमने स्क्वायर निकाल दिया। तो कुछ ऐसा करने के बाद हम वापस एक बार परपेंडिकुलर निकाल लेंगे इन तीनों पॉइंट से। फिर वापस एक बार 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लेके हम सेंटर बना लेंगे और पूरा सर्कल भी निकाल देंगे। तो कुछ ऐसा करने के बाद हम हमारे नाम भी दे देंगे एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज, और हर एक का नाम सेम ही होने वाला है, प्लान फ्रॉम अबाउट, साइड एलिवेशन और एलिवेशन फ्रंट। तो ऐसा कुछ करने के बाद हमारे स्पीयर का भी 3D मॉडल तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सॉलिड ज्योमेट्री का हर एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है और हमारी ज्योमेट्री पूरी ख़त्म हो जाती है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ज्योमेट्री एंडिंग में ही करते हैं, तो ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहना।